मूवी स्टार्ट होते ही हम देखते हैं कैप्टन वीर सैसवाल और कैप्टन अमृत राठौर को। वे दोनों ट्रेनिंग करके वापस अपने रूम पर आते हैं। कैप्टन अमृत जब अपना मोबाइल ओपन करते हैं तो उनके व्हाट्सएप पर उनकी गर्लफ्रेंड तुलिका का बहुत सारा मैसेज आया हुआ था और उस मैसेज में तुलिका अमृत से कहती है, कहाँ हो तुम, कितने दिनों से ट्राई कर रहे हैं तुम्हें, पापा ने हमारी एंगेजमेंट फिक्स कर दी है। तो कैप्टन अमृत और उनके दोस्त कैप्टन वीर वे दोनों तुलिका के एंगेजमेंट में जाते हैं। अमृत तुलिका से कहते हैं, हमने सारा चीज सेट करके रखा है, चलो हम दोनों यहाँ से चलते हैं। तो तुलिका अमृत से कहती है, हम अभी नहीं जा सकते, कल मैं और मेरी फैमिली वाले ट्रेन से दिल्ली जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलो, हम दोनों वहीं मिलेंगे। अगले दिन तुलिका की फैमिली वाले कैप्टन अमृत और उनके दोस्त कैप्टन वीर वे लोग ट्रेन से दिल्ली जाते हैं। रास्ते में डाल्टनगंज प्लेटफॉर्म से 35 लुटेरे ट्रेन के अंदर चढ़ते हैं और इनका नाम है हनी। हनी के पास उनके पापा कॉल करते हैं और वो हनी से कहते हैं, हमारे पास 30 मिनट टाइम है, जल्द से जल्द माल समेटो और फिर मुझे कॉल करो। कैप्टन अमृत और उनके दोस्त कैप्टन वीर वे दोनों रिलैक्स अपने सीट पर बैठे हुए थे और इस तरफ तुलिका की छोटी बहन अहाना वॉशरूम के लिए जाती हैं। तो हनी अहाना से कहते हैं, इधर का दोनों वॉशरूम फुल है, तुम उस तरफ चल जाओ। तो अहाना उस तरफ वाले वॉशरूम में जाती हैं और इधर वह लुटेरे ट्रेन में मौजूद सभी लोगों का मोबाइल नेटवर्क हैक कर लेते हैं और एसी वाली सारी बोगी को दोनों तरफ से लॉक कर देते हैं और वह लुटेरे वहां पर मौजूद सभी लोगों का मोबाइल, पर्स और गहने लूटते हैं। वह लुटेरे कैप्टन अमृत और कैप्टन वीर का भी मोबाइल और पर्स ले लेते हैं। जब अहाना वॉशरूम से बाहर आती है तो वह देखती है बहुत सारे लोग उस बोगी से दूसरी बोगी में भाग रहे थे। तो अहाना भी दूसरे बोगी में जाकर चुपचाप बैठ जाती हैं और इस तरफ हनी तुलिका को देखकर रुक जाते हैं और वह तुलिका के साथ छेड़खानी करते हैं। तुलिका के साथ छेड़खानी करते हुए अमृत हनी को देख लेते हैं और वह हनी को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन हनी के साथ काफी लुटेरे थे इसलिए हनी वहां से बचकर भाग जाते हैं। तुलिका की माँ अमृत से कहती है, मेरी छोटी बेटी अहाना वॉशरूम गई थी, अभी तक वह नहीं आई। तो अमृत और तुलिका की फैमिली वाले अहाना को ढूंढने वॉशरूम के पास जाते हैं पर अहाना वॉशरूम के पास नहीं मिलती और इस तरफ हनी और उनके साथी तुलिका अमृत और वीर को मारने के लिए फिर से आते हैं। तो अमृत, वीर और हनी के लोगों के बीच काफी देर तक फाइट होती है। उस फाइट में अमृत और वीर वे दोनों हनी के काफी लोगों को मार डालते हैं, लेकिन उस फाइट में हनी अमृत के दोस्त वीर को पकड़ लेते हैं और वह वीर को पूरी तरह जख्मी करके मार डालते हैं। जब ट्रेन कुछ दूर आगे जाकर स्लो होता है तो वहां पर हनी के पापा और उनके कुछ साथी ट्रेन के अंदर चढ़ जाते हैं। जब वह लुटेरे अपने लोगों की लाशें देखते हैं तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है और वे लोग फिर से तुलिका और अमृत को मारने जाते हैं। कुछ देर के बाद हनी और उनके साथी तुलिका और अमृत को पकड़ लेते हैं और उस जगह हनी तुलिका को मार डालते हैं। तुलिका की मौत के बाद अमृत कसम खाते हैं कि जब तक ट्रेन में मौजूद सभी लुटेरों को मार नहीं देता तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। कैप्टन अमृत ट्रेन में मौजूद उन सभी लुटेरों को चुन चुन कर मार डालते हैं और आखिरकार लास्ट में कैप्टन अमृत तुलिका की छोटी बहन अहाना को ढूंढ लेते हैं